हम में से ज़्यादातर लोग मीठे के बहुत शौकीन होते हैं और एक अवेयरनेस हमें होती है कि इतना मीठा हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हम कोशिश भी करते हैं उसे कम करने की, अपनी डाइट से कट डाउन करने की, लेकिन जितना हम उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी इच्छा बढ़ती चली जाती है उसे खाने की, हमारी क्रेविंग बढ़ती चली जाती है और धीरे धीरे ये एक टास्क बन जाती है हमारे लिए। कहीं आपके लिए भी तो ये एक टास्क नहीं बन गई है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि एक हेल्दी पर्सन को एक दिन में कितनी शुगर का इंटेक करना चाहिए, फीमेल को और मेल को, और क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो उसे छोड़ने की इच्छा रखता है, और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जब वो एक प्रोसीजर को स्टार्ट कर देता है, और क्या क्या स्टेप्स उसको फॉलो करने चाहिए जब वो शुगर को अपनी डाइट से कट डाउन करता है। सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड डिस्कस कर लेते हैं कि एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को एक दिन में कितनी शुगर का इंटेक करना चाहिए। तो ये फीमेल और मेल के लिए अलग अलग है। फीमेल को एक दिन में 25 ग्राम शुगर ले लेनी चाहिए, तो ये हुए करीबन 6 टीस्पून छोटे चम्मच, और एक मेल को करीबन 35 ग्राम्स जो कि होते हैं 9 टीस्पून, तो इतनी शुगर हमें एक दिन में लेनी चाहिए। जबकि रिसर्चेस में पाया गया है कि एक नॉर्मल पर्सन एक दिन में करीबन 22 से 30 टीस्पून जो कि हो जाते हैं 85 से लेकर 120 ग्राम पर डे शुगर का कंजम्पशन करता है। इतना हाई अमाउंट शुगर का लेने से हमें बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। सबसे मेन जो है उसमें डायबिटीज़, ओबेसिटी, मोटापा, अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है। साथ में हार्ट से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं, और हमारे दांतों से रिलेटेड हमारी डेंटल हेल्थ भी बहुत सफ़र करती है इतने हाई इनटेक ऑफ शुगर से। 2019 में एक रिव्यू में पाया गया कि जब हम शुगर का इंटेक इतना ज़्यादा करते हैं तो ये हमारे एनर्जी लेवल को कम करती है, हमारी अलर्टनेस को कम करती है, हमें फोकसिंग और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है, एक थकान बनी रहती है हर समय, और ये सारे ही सिम्टम मिलके कारण बनते हैं डिप्रेशन का। अब हम बात करेंगे कि जब हम शुगर के इंटेक को कम करना चाहते हैं तो हम क्यों नहीं उसको छोड़ पाते। जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि ये हमारे लिए एक टास्क बन जाती है और हमारी क्रेविंग बढ़ती चली जाती है, तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा फंडा हमें समझने की ज़रूरत है कि जब हम शुगर खाते हैं तो ये हमारे ब्रेन रिवार्ड सिस्टम को अफेक्ट करती है। अब ये ब्रेन रिवार्ड सिस्टम क्या होता है? हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, उसको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे वो उनके काम की हैं या नहीं हैं। इसी तरह से हमारे ब्रेन को शुगरी फूड आइटम्स, मतलब कि मीठा और जितना भी फैटी फूड है, वो सब बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसके लिए एक नेचुरल रिवार्ड का काम करता है। तो जब हम मीठा खाते हैं या हम कोई फैटी फूड खाते हैं, बहुत हाई कैलोरी फूड खाते हैं, तो हमारा ब्रेन खुश हो जाता है। हमारे ब्रेन में जो डोपामाइन केमिकल, एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें फील गुड होता है। अगर हम इसको एक बहुत जनरल नॉर्मल सी लैंग्वेज में देखें, लेमन, हम जब किसी को अपनी खुशी का इजहार करते हैं, किसी का कोई अचीवमेंट सुनने के बाद, तो हम सीधे उससे कहते हैं कि हमें मिठाई खिलाओ, क्योंकि इस मीठे का, या कोई हम पार्टी करते हैं तो वहाँ पर हम हमेशा सारा फैटी फूड ही खाते हैं, क्योंकि वो सारा मीठा, वो सारी हैवी फूड जो है वो हमारे को खुश करता है, और हम पार्टी में इन्हीं चीज़ों को रखते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई कि आप इसको रिलेट कर सकें और समझ सकें कि क्या है हमारा ब्रेन रिवार्ड सिस्टम। अभी जो हमने बात की कि हमारा ब्रेन खुश होता है या उसके लिए एक नेचुरल रिवार्ड है हमारा मीठा और हमारा हाई कैलोरी फूड, तो ब्रेन की एक और क्वालिटी है इसके साथ साथ,
कि ये जो हमारा नेचुरल रिवार्ड है वो इसका एडिक्टिव हो जाता है, मतलब कि हमारे ब्रेन को लत पड़ जाती है उस मीठे की और उस हाई कैलोरी फूड की। और जब भी हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी डाइट से मीठे को कम करें, एडिड शुगर को कम करें, तो हमें बहुत सारे फिजिकल लेवल पर और मेंटल लेवल पर, मेंटल के साथ साथ कुछ इमोशनल भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। जब हम शुगर का इंटेक कम करते हैं, उसको अपनी डाइट से कट डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो हर बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है और जो सिम्टम्स उसको आ रहे होते हैं उसकी सीवियरिटी डिपेंड करती है कि जो पर्सन जितना ज़्यादा शुगर अपनी डाइट में ले रहा था उसके लिए उतने ही ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आ सकते हैं। और इस पूरे फेज़ में किसी को कुछ दिन लग सकते हैं और किसी को कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। ये जितने भी सिम्टम्स हमें आ रहे होते हैं ये मेंटल इमोशनल लेवल पर भी होते हैं और फिजिकल लेवल पर भी होते हैं। तो पहले हम बात करें कि मेंटल लेवल पर हमें किन किन सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला सिम्टम कि वो पर्सन लो फील करने लगता है, और ऐसा इसलिए होता है कि जो मैंने अभी बात की थी कि डोपामाइन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, उस सिक्रीशन में जब एक कमी आती है तो वो पर्सन बहुत लो फील करने लगता है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि कई बार उसमें एंग्शियस उसका बिहेवियर हो जाता है, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस और एंग्जाइटी देखने को मिलती है। और तीसरी जो प्रॉब्लम है कि उसके स्लीपिंग पैटर्न में जो एक नींद का टाइम था उसमें गड़बड़ हो जाती है, कई बार वो पर्सन लेटा रहता है और उसको नींद नहीं आती। चौथी चीज़ क्या हो सकती है कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट, इरिटेबिलिटी हो जाती है और पेशेंस भी कम हो जाता है, मतलब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। कुछ लोगों में फोकस करने में और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है। और एक और चीज़ देखने को मिलती है कि वो पर्सन क्या करता है कि जो उसे शुगर की क्रेविंग हो रही है उसको बैलेंस करने के लिए कुछ हाई कैलोरी फूड्स को खाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, ब्रेड्स, ऐसी चीज़ों को, चिप्स, इन चीज़ों को ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। फिजिकल लेवल पर जो सिम्टम्स आने शुरू होते हैं उसमें मेन कि एनर्जी लेवल लो हो सकता है, हर समय थकान बने रहना, चक्कर आना, डिजीनेस, ये सारी चीज़ें, नौजिया, ये सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ सिंपल से तरीके जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे जब हम अपनी डाइट से शुगर को कम करना चाह रहे हैं। जब हम लंबे समय से केक, पेस्ट्री, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, रेडीमेड फ्रूट जूसेस, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ले रहे होते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इन सब को अपनी डाइट से कट डाउन करना। तो पहला टिप कैसे हम इसको कम कर सकते हैं कि हम जितने भी बेवरेजेस लेते हैं, चाहे हम बाहर रेडी टू यूज़ रेडीमेड लेकर खा रहे हैं, पी रहे हैं उनको, या जो हम घर में बना रहे हैं चाय, कॉफ़ी, दूध, जिनमें हम एडिड शुगर खुद से एड ऑन करते हैं, तो उनका तरीका, जो लोग बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक ले रहे हैं वो सबसे पहले उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करें, राइट। और जो लोग बहुत ज़्यादा जूसेस ले रहे हैं मार्केट में वो कोशिश करें कि वो घर में जूस बनाएं या फिर वो होल फ्रूट को अपनी डाइट में लें। धीरे धीरे हम अपनी इस प्रैक्टिस को बढ़ाना शुरू करें और जो वहाँ हम अपनी फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे थे उसको और कम करते चलें, तो एक बैलेंस दोनों में बनता रहेगा और हमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। और धीरे धीरे हम इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जगह होममेड लेमोनेड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, नींबू पानी को। नेक्स्ट, जो बेवरेजेस हम घर में बना रहे हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, दूध, शेक्स, जो हम घर में बना रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमें क्या करना है कि जो शुगर हम अभी यूज़ कर रहे थे, सपोज़ हम एक कप में एक चम्मच शुगर डाल रहे थे, तो हम उसको थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली कम करेंगे तो जो हमारे टेस्ट बड्स हैं, जो ये हमारा ब्रेन रिवार्ड सिस्टम है, ये धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। दूसरा टिप या दूसरा तरीका
कि हम जितनी भी चीज़ें एडेड अपने खाने में यूज़ करते हैं, कौन कौन सी, जैसे कि हम सैलेड्स में सैलेड ड्रेसिंग्स को यूज़ करते हैं, जो भी हम प्रिजर्वेटिव फूड खाते हैं उसमें भी बहुत सारी ड्रेसिंग्स और सॉसेस यूज़ होती हैं, उन सब में एडिड शुगर होती है। तो हम धीरे धीरे उन्हें भी कट डाउन करना शुरू करें तो भी हमारा जो शुगर का इनटेक है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। तीसरा टिप है कि जब हम कोई भी जूस ले रहे हैं या जहाँ भी हम सिरप्स को ऐड करते हैं अपने बेवरेजेस में, जो कि हम घर में भी बना रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम उसे स्किप करके उसकी जगह शहद को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो हम एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं कि हम हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, जिसकी वजह से कि जो हम चीज़ें बीच में चॉकलेट और कैंडीज़ खा लेते हैं जब हमें एक स्मॉल हंगर लगी होती है, तो हम उससे भी बच जाएंगे। नेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं कि हम फाइब्रस फूड खाएं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड लें, क्योंकि ये भी बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। और जो हम बीच बीच में फिलर की तरह सिरप्स और जूसेस को यूज़ करते रहते हैं, हम उनसे भी बच जाएंगे। और हम नेचुरल शुगर को यूज़ करें, जैसे कि हम फ्रूट्स खाएंगे तो उसमें नेचुरल शुगर होती है, ये हमारी शुगर की क्रेविंग को कम करेगा। एंड फाइनल और इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा शुगरी फूड आइटम खाने का मन होता है, मतलब कि हम हाई शुगर वाले फूड आइटम्स खाना शुरू कर देते हैं। तो इससे कम्बैट करने के लिए, इसको फेस करने के लिए हमें अपने शेड्यूल में एक्सरसाइज को एड ऑन करना चाहिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल, एक हार्मोन सिक्रीट होता है। ये एंडोर्फिन हार्मोन हमें तनाव से छुटकारा दिलाता है, और जब हमारा तनाव दूर भाग जाता है तो जो हमें शुगर की क्रेविंग हो रही थी उससे भी हम बच जाते हैं। आज की वीडियो में हमने शुगर को अपनी डाइट से कट डाउन करने में किन किन चीज़ों का हमें नुकसान है, क्या क्या सिम्टम आते हैं और कैसे हमें उन्हें कम करना है, इस सब बारे में बात की। अब अगली वीडियो में शुगर से ही रिलेटेड हम ये बात करेंगे कि जब हम अपनी डाइट से शुगर को कट डाउन करते हैं तो हमें कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। आप आज वाली वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं, और जो कमिंग हमारी वीडियो आ रही है उससे उन्हें ये भी पता चले कि कौन कौन से फ़ायदे होंगे हमारी हेल्थ के लिए। हमारी सभी वीडियोस हमारी ऐप पर भी अवेलेबल हैं, जो कि डिवाइन केयर के नाम से है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।